तो जी स्वागत है आज के तक न्यूज संबंधित समाचार में, यानी कि वेलकम टू टेक न्यूज इन शॉर्ट। और आज के न्यूज के बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले खबर की बात करते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का गैलेक्सी S21 जो कि जनवरी के महीने में 2021 में लॉन्च होने वाला है, उसका कुछ रेंडर यहाँ पे आया है और ये देख सकते हैं इसका वॉलपेपर कुछ इस तरह का होगा और फ्रंट डिजाइन कुछ इस तरह होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है। अगली खबर की बात करें वो भी सैमसंग गैलेक्सी S21 के बारे में, तो उसका हाउजिंग, कैमरा हाउजिंग जो है पीछे की तरफ, वो यहाँ पे पता चल गया। फोटो आप देख सकते हैं किस तरह आपको देखने को मिल रहा है। अगली खबर की बात करते हैं वो आईफोन के बारे में, तो आईफोन का आईफोन 12 एंड आईफोन 12 प्रो इन दोनों का प्रीबुकिंग डेट आ चुका है, इंडिया का प्रीबुकिंग डेट आ चुका है और प्राइस का आप देख सकते हैं कहाँ से शुरू होता है। जो आईफोन 12 64 GB उसका प्राइस 80,000 के आसपास रखा गया, यानी कि 7,990, और जो हाईएस्ट मॉडल है आईफोन 12 प्रो का, उसका 512 GB वाला, उसका प्राइस 1.5 लाख के आसपास रखा गया है। और इसके साथ साथ आईफोन में आपको कुछ ऑफर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप आईफोन 12 खरीदते हैं तो 6,000 का आपको कैशबैक देखने को मिलेगा अगर HDFC कार्ड यूज करते हैं तो, और उसी तरह अगर आईफोन 12 प्रो खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको 5,000 रुपीज़ का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं जियो के बारे में, तो अगर जियो फोन आप यूज करते हैं तो उसके लिए एक नया ऐप इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है जियो क्रिकेट, और ये स्पेशली क्रिकेट के लिए। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो इस ऐप के थ्रू आपको लाइव स्कोर वगैरह, वीडियो वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। अगली खबर की बात करते हैं माइक्रोमैक्स के बारे में, तो माइक्रोमैक्स का इन सीरीज का फोन डेट कन्फर्म हो चुका है और यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने टीच कर दिया है कि नवंबर 3 को आपको यहाँ पे माइक्रोमैक्स तरफ से फोन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद से 2-3 फोन आपको देखने को मिल सकता है, एक 7,000 के आसपास होगा, एक 15,000 के आसपास होगा और एक 10,000 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करते हैं OnePlus Nord के बारे में, तो OnePlus Nord का N10 एंड N100 का स्पेशल लीक्स यहाँ पे आ चुका है और N10 जो है वहाँ पे आपको 690 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक सस्ता 5G फोन होगा, 90Hz डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे N100 की बात करें तो वहाँ पे आपको क्वालकॉम का 460 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 60Hz का पैनल होगा, 6.5 inch का डिस्प्ले होगा और ये 10,000 से नीचे आपको देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करें इन्फिनिक्स के बारे में, तो इन्फिनिक्स का हॉट 10 आपको पता होगा कि 10,000 में आपको सबसे सस्ता 6G 120G वाला वर्जन देखने को मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे G70 अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है। उसका एक लोअर वेरिएंट आज इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया है जिसका जो कि है 4GB 64GB और प्राइस की बात करें तो 9,000 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। अगली खबर की बात करें व्हाट्सएप के बारे में, तो व्हाट्सएप ने अभी फेसबुक ने व्हाट्सएप को मोनेटाइज करना शुरू कर दिया। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कस्टमर बाय भी कर सकते हैं, ये सब फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करते हैं Amazfit के बारे में, तो Amazfit ने Amazfit Pop नाम से एक स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दिया है। कीमत की बात करें तो 3500 आसपास इसका प्राइस रखा गया है, ये चाइना में लॉन्च है और बहुत जल्द आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करें थम्सन के बारे में, तो थम्सन ने ऑडियो बूम बॉक्स ये लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर। कीमत की बात करें तो 5,000 रुपये इसका कीमत रखा गया है, कहाँ पर मिलेगा तो ये आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब आखिर में बात करते हैं LG के बारे में, तो LG ने एक टीज कर दिया है कि 28 अक्टूबर को आपको LG Wing इंडिया में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, LG Wing जो कि आपको साउथ कोरिया में देखने को मिलता है वो अब इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा और 28 अक्टूबर को वो लॉन्च हो रहा है। आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे डेट भी कंफर्म हो चुका है, 28 अक्टूबर को LG Wing इंडिया में लॉन्च हो रहा है। तो ये था दोस्तों आज का स्वीट एंड शॉर्ट टेक न्यूज इन शॉर्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखिए टेक पर यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।